कृष्णा, अहम अनिता निषादा अस्मि, आयु वर्ग 15 से 40। द्वादशाध्याय भक्ति योग। अर्जुनुवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पयोपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवानुवाच मय्यावेश मनो इमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पयोपासते सर्वत्र गम चिंत्यम सर्वत्र संबोध। जय कृष्णा। मैं आरती मुजफ्फरपुर बिहार से कैटेगरी 3 में श्लोक रिसाइटेशन कर रही हूँ। अथ सप्तमोध्याय श्री भगवान उवाच मैया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् दाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तक्ष्णु ज्ञानं तेहं सविज्ञानं इदं वक्ष्याम्यशेषत यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यमशिष्यति मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वत भूमिरापो नलो। माय नेम इज हरनारायण पाढ़ी, एज 56 इयर्स, फ्रॉम गुजरात। आई एम रिसाइटिंग श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 1-15। मर्या सक्त मनाः पार्थ योगं युज्यन्य दाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यते सतः यज्ज्ञात्व नेहं भूयो न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यजति सिद्धये यदढामपि सिद्धानां कश्चिन्नां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरे मुखं करुति वाचालं पंगुं लंगिहतिं गिरे रत्कृपातवं नन्दे परमानन्द महादवम। हरे कृष्णा। माय नेम इज कैरिस्मारी बिष्ट। आई एम 9 इयर्स ओल्ड एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट श्लोकस 8-11 10th चैप्टर फ्रॉम भागवत गीता। अहम सर्वस्य प्रभावो महत्व सर्वं प्रवर्तते इति महत्व भुजन्ते मां मुक्त भाव समन्वितः मज्जित मद्गत प्राण मुक्तिर्यन्तं परहश्परं खतियन्तीश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तम्। I am Lakshanand and I am studying class 4K. Today I am going to do slok recitation. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate itti mattava bhajante mam buddha bhava sambandhita मद्गत प्राण बोधयन्तं परस्परं कथयन्तस्य माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च नाम सततं युक्ताना भजतामपि पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते आम एवानु कंपारतम अहम अज्ञान जम्मतम नाशियाम यात्मा भाव सो ज्ञान दिपेन भास्वता। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास त्वाम परियुपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेताः
भक्ति में युक्त तमाम ताह ये त्व अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कूटस्थम चलम ध्रुवम सननीयम येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धियः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेण माम ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशत चेतसाम् मय्येव मन। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि कोली है। मैं 5 साल की हूँ। आज मैं आप सबको गीता जी से चौथे अध्याय के 6 श्लोक से 10 श्लोक तक का उच्चारण करने जा रही हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चारु वर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोति सन्नावयात्मा भूतानामीशनोऽपी सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि यया ययां यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्तानाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकर्तां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे जनकं चामे दिव्यं यो वेति तत्त्वतः तत्त्ववादेहं पुनर्जनम नैति मामेति सो अर्जुन वीतराग भय। नमस्कार, मैं सौभाग्य द्विवेदी आप सभी लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय जो विभूति योग है उसके कुछ लोग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय विभूति योग। भूय एव महाबाहो षड् मे परमं वचः यत्तेहं परिमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यय। न मे विदोह सुरगणः प्रभवं नाम हर्षयः अहमाद्रीः देवानां महर्षीणं च सर्वशः यो मामजमनन्दिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अस्वमूढासमृत्वेषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहं क्षमा सत्यं दमा शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समिततुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानं मत्त एव। अथ श्री द्वादशो अध्यायः। श्री अर्जुन उवाच। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासिते ये चाप्याक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। श्री भगवान वाच। मैया वैश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा पर्युपेतास्ते मे युक्त तमामतः ये त्वक्षरम निर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयं च कूटस्थम चलम ध्रुवम संयम इंद्रियम ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्ता सतचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्यन्येनैव योगेन माम् ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्तं मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्यावेशित चेत्।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। नमस्कारम्, मेरा नाम श्रेया पवार है। मैं दून भवानी इंटरनेशनल स्कूल घम्मूवाला रानी पोखरी में स्थित कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरी उम्र 14 साल है। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय की श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 11 तक का उच्चारण करूँगी। अहम सर्वस्य। मेरा नाम जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सीता अग्रवाल, मैं 37 साल की ऋषिकेश से हूँ। मैं गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ कर रही हूँ। ओम श्री परमात्मा ने नमाता द्वादशोध्याय अर्जुन वाच है। एवं सतत युक्ता ए भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्य अक्षर मव्यक्तम तेषाम के योग विक्तमा। श्री भगवान वाच है मैया वेश मनोए माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ता तमामता ये तो अक्षर निर्देश मव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुव सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हि ते रता क्लेशोदिक्तरस्ते शाम अव्यक्ता सप्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुख देहवाद वीरवापते ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषां मां समूहत मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेचित चेतसा मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामि छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथ हि तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्याग तथा कुरु यतात्मवान् श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाधाना विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग तागच्छान्तिरनन्तरम् आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकर्म। हरे कृष्णा टू ऑल द जजेस एंड द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ द इस्कॉन टेम्पल ऋषिकेश। मायसेल्फ समर्थ पसरीचा फ्रॉम रेडफोर्ट इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ग्रेड 9। टुडे आई एम रिसाइटिंग सम भगवद गीता श्लोक्स ऑफ कैटेगरी 1 चैप्टर 10 वर्सेस 8-11। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथ्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकां ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजनं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम सुमन धुलिया है। मैं गोविंदा आलारे प्रोग्राम में कैटेगरी 3 में श्लोक रेसाइटेशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानम तेहम सवे ज्ञान्यमिदं वक्ष्याम्य अशेषितः यज्जात्वानेह भूयो न्याज्यत्वम अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् अद्यति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः
भूमिरपो अनलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवचा अहंकारम इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिर अस्थिता अपरेयम इत सत्वान्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूता महाभावो ययेदम धार्यते जगत् एतद्धोनिनि भूतानि सर्वाणि त्वपधारया अहम कृतस्नस्य जगता परभव प्रलय अस्तता मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण एव रसोऽहमप्सु कौन्तेय परभास्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द विदिशा दून भवानी इंटरनेशनल स्कूल की 10वीं की छात्रा हूँ और मेरी उम्र 15 वर्ष है। मैं श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के पहले 10 श्लोकों को सुनाने जा रही हूँ। अत द्वादशोध्याय अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चाप्य शर्मं व्यक्तमं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्त तमा मता। ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तमं पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम ये त्रिये ग्रामम सर्वत्र। हरे कृष्णा, माय नेम इज जोई मारी बिश, आई एम फ्रॉम ऋषिकेश एंड आई एम 12 इयर्स ओल्ड। टुडे आई विल बी रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम भागवत गीता 10 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 8-11। अहम सर्वस्य प्रभावो मात सर्वं प्रवर्तते इति मात्व भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। ट्रांसलेशन, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Machita madgata prana buddhayanta parashparam kathyantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me.